आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ मिक्स वेज अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। ये हमारी दाल, सब्जी और परांठे के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज मैं आपको अचार के साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप इस दाल को सालों तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मेथी दाना लिया है, सौंफ ली है, कलौंजी ली है, जीरा लिया है, धनिया लिया है और राई ली है। ये हमने एक एक चम्मच लिया है सभी। गोभी ली है, गोभी को हमने काट लिए हैं। साथ ही हमने मूली ली है, इसे काट लिया है। गाजर ली है, शलगम लिया है, नींबू लिया है पाँच, एक लहसुन छील लिया है और मिर्ची ली है। सब्जियों को काटने से पहले हमने धोकर सुखा देना है। मिर्च को हम सेंटर में से कट करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। टिप नंबर वन, अचार डालने से पहले हम सब्जियों को दो दिन के लिए धूप लगवा लेंगे। इससे इसका पानी सूख जाएगा, इससे फंगस नहीं लगेगा। टिप नंबर सेकंड ये है कि जब भी अचार बन जाए तो आप इसे हफ्ते में एक दो बार शेक जरूर करें। अचार को एयरटाइट कंटेनर में रखें। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। टिप नंबर फोर ये है कि जब भी अचार निकालें हमेशा ड्राई स्पून ही यूज़ करें। गीला हाथ लगने से फंगस लगने का डर रहता है। टिप नंबर फाइव ये है कि जब भी आप इसे धूप में सुखाएं इसे आप सूती या फिर मार्बल के कपड़े से ढक कर ही सुखाएं। इसमें धूल मिट्टी और मक्खी से बचाव रखें। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे। चटनी अचार में नमक ज़्यादा ही डालता है क्योंकि नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो हमें किसी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट से जो अचार मिलता है उसमें सोडियम बेंजोएट डाला होता है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक की मैंने स्लाइसेस कर ली हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। आपको जो ज़्यादा पसंद हो आप उसे ज़्यादा मात्रा में ले लो। मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ ऐड की हैं। अब हमने जो मसाले निकाल कर रखे थे उन सबको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे अचार में। आप इन्हें पीसकर भी डाल सकते हो। वैसे खड़े मसाले जब मुंह में आते हैं तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। अब हम इसमें एक कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, ये हमारे अचार को ख़राब नहीं होने देता। इसे आप बिना प्रिजर्वेटिव के 2 से 3 साल तक रख सकते हो आसानी से। अब हम इन स्पाइसेस को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हैं, नमक है, ये अच्छे से मिल जाए। इसे हम एक हफ्ते के लिए डेली धूप में रखेंगे। इसे आप 3 से 4 घंटे ही धूप में रखें। इसे धूप में रखने से पहले इसे आप डेली शेक जरूर करें ताकि अचार और ऑयल मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अचार और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे एक हफ्ते के लिए धूप में रखेंगे। अचार को हमने एक हफ्ता धूप लगवा ली है और ये देखिए हमारा अचार कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये आसानी से कट हो रहा है। हमारा ये टेस्टी अचार बनकर तैयार है। आप भी मेरे टिप्स फॉलो कीजिए और मेरे तरीके से अचार डालिए। इससे हमारा अचार 2 से 3 साल के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के। इसे आप रोटी, परांठे, दाल, सब्जी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।